अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात डिस्कस कर रही हूँ कि कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर में क्या फर्क है। कॉर्न स्टार्च सिंपल व्हाइट कलर का मटेरियल है जिससे हम लोग जो है सूप्स वगैरह गाढ़ा करते हैं। ये बिल्कुल समझे कि प्रोसेस्ड कॉर्न होता है और बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। हम यूजली इसको कॉर्न फ्लावर बोलते हैं, बट दैट नॉट द करेक्ट टर्म। द करेक्ट टर्म इज कॉर्न स्टार्च, यानी ये स्टार्च है जो कॉर्न से हमको मिलता है और सूप्स वगैरह को हम थिक करते हैं, बाकी बैटर्स में डालते हैं, चिकन वगैरह क्रिस्पी करने के लिए, फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी करने के लिए यूज करते हैं। व्हाइट कलर का है और सिंपल, इसको कॉर्न स्टार्च ही बोलते हैं, कॉर्न फ्लावर नहीं बोलते। अब कॉर्न फ्लावर क्या है? कॉर्न फ्लावर बेसिकली सिंपल मकई का आटा है जो हम लोग, जिससे मकई की रोटी भी तैयार होती है, बाकी हम लोग चपली कबाब वगैरह कबाबों को थिक करने में, बाइंडिंग करने के लिए यूज करते हैं। ये इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं है, सिंपल ये मकई को पीस लेते हैं, उसका थोड़ा सा फाइबर हटा देते हैं, तो ये बन जाता है कॉर्नफ्लावर। सो कॉर्नफ्लावर और कॉर्न स्टार्च में ये फर्क है। हम लोगों को अक्सर समझ नहीं आता कि रेसिपी कॉर्न स्टार्च कह रही है तो हमने कौन सा यूज करना है। जब आपको रेसिपी कह रही है कि आपने कॉर्न स्टार्च यूज करना है तो आपने ये व्हाइट वाला करना है, और जब आपको रेसिपी कह रही है कि कॉर्नफ्लावर यूज करना है तो आपने ये वाला यूज करना है, यानी जो रीजनल कॉर्न का फ्लावर है। ये यूजली जो है वो थोड़ा लाइट येलो से कलर का होता है और ये यूजली आपको व्हाइट ही मिलेगा। सो ये थी डिफरेंस बिटवीन कॉर्नफ्लावर और कॉर्न स्टार्च। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा रही हो, और अगर आपको कोई टिप पूछनी हो या कोई बात पूछनी हो तो जरूर आप कमेंट करें। इंशाल्लाह आई लेट यू नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।